वकील साहब, आप लोगों के साथ दिक्कत क्या है कि हाई कोर्ट में आप चाहते हैं सब रिलीफ हो जाए, पूरी सीआरपीसी को बाईपास कर दिया जाए। तो ये चार्ज फ्रेमिंग की स्टेज पे बताना है कि किस धारा में चार्ज बनेगा, किसमें नहीं बनेगा। जब चार्ज फ्रेमिंग पे अगर आपको ना सुना जाए और चार्ज फ्रेम कर दिया जाए, तो आपके पास रेमेडी है उसके खिलाफ। लॉर्डशिप, देर आर अरे फोर भाई वकील थिंग्स। साहब, सीआरपीसी को कैसे बाईपास कर दें हम? सीआरपीसी यस को सिर्फ लेजिस्लेचर बाईपास कर सकता है कि वो कुछ प्रावधान हटा दे। ये उनका प्रेरोगेटिव है, हमारा प्रेरोगेटिव नहीं है। हमें तो किताब वैसे ही पढ़नी है जैसी है। हाँ कुमार, सौरभ कुमार, रोडा साहब बताइए। लॉर्डशिप रीजन आई हैड टू चैलेंज द एफआईआर एफआईआर ऑफेंस अंडर सेक्शन 140। लॉर्डशिप 6.2 में काइंडली बी सीन लॉर्डशिप 6.2। ऑफ माय पिटीशन। हाँ पढ़िए। लॉर्डशिप इंसिडेंट अकर्ड डेटेड 12/5/2021 एट द टाइम 7:30। लॉर्डशिप एफआईआर हैज बीन रजिस्टर्ड डेटेड 13/5/2021। ऑफेंसेस आर 147, 188, 294, 353, 427 एंड 506 ऑफ आईवीसी। अरे लॉर्डशिप द कंप्लेंट हैज बीन मेड दैट संजय शर्मा द कंप्लेनेंट हैज बीन ऑफिशियली सर्व अ ड्यूटी इन द कंटोनमेंट एरिया इन दैट टाइम। पिटिशनर हैज बिन अराइव एंड हिट द बैरिकेड्स टू एंटर इन टू द कंटोनमेंट एरिया। देर जी फोर देर फोर दैज बीन दे ऑल्सो यूज द एब्यूसिव लैंग्वेज एंड लॉर्डशिप देर थ्रेटन टू किल। देर फोर द ऑफेंस हैज बीन रजिस्टर्ड एज पर कंप्लेंट इन आस्टा पुलिस स्टेशन। लॉर्डशिप 6.3 में काइंडली बी सीन एज पर द भजन लाल जजमेंट। सर, 482 लाई करेंगे। पेज नंबर 13 काइंडली सी रिलीफ क्लॉज मारो। हाँ देख लिया वो। डॉक्टर आई हैव मैंशनड द जजमेंट ऑफ सिक्स कपिल अग्रवाल अदर्स एंड वर्सेस संजय शर्मा हाँ मैं क्या हुआ, डब्ल्यू पी एंड फोर एटी दूसरी एफ आई आर नंबर का सब्जेक्ट मैटर क्या था समझे तो। एक है कि आप बैरिकेड तोड़ के अंदर गए, दूसरा यह है कि आपने गाली गलौज की धमकी दी। यस सर। दोनों कॉज ऑफ एक्शन अलग अलग हैं, दोनों दो अलग अलग कॉग्निजिबल ऑफेंस बनते हैं। कैसे क्वेश हो जाएगी? लॉर्डशिप द थिंग इज अरे जमानत कराइए, कंटेस्ट करिएगा। सर वी आर ऑलरेडी आउटसाइड हाँ वी कंसिडर। आर ऑलरेडी ऑन। वी आर ऑलरेडी ऑन बेल लॉर्डशिप। ठीक है तो फिर क्वेश्चन कहाँ बन रही बट है? तो सर 147 जो एलिगेशन है वो उसमें लगता है नहीं, 188 भी नहीं लगेगा सर क्योंकि एक्सेप्शन क्या 180। पार्ट पार्ट क्वेश्चन चार्ज फ्रेम होगा क्या? नो लॉर्डशिप ये तो चार्ज फ्रेमिंग का मौका, सर वहाँ जब जब ऑब्जेक्शन चार्ज ले रहे फ्रेम हैं होंगे तब वहां बताइएगा कौन सी धारा लगती है, कौन बट सी द नहीं लगती ऑफेंस आर है। नॉट टेकन ऑन फेस वैल्यू अरे लॉर्डशिप। भाई वकील साहब, आप लोगों के साथ दिक्कत क्या है कि हाई कोर्ट में आप चाहते हैं सब रिलीफ हो जाए, पूरी सीआरपीसी को बाईपास कर दिया जाए। तो ये चार्ज फ्रेमिंग की स्टेज पे बताना है कि किस धारा में चार्ज बनेगा, किसमें नहीं बनेगा। जब चार्ज फ्रेमिंग पे अगर आपको ना सुना जाए और चार्ज फ्रेम कर दिया जाए, तो आपके पास रेमेडी है उसके खिलाफ। लॉर्डशिप देर आर अरे फोर भाई वकील साहब, थिंग्स। सीआरपीसी को कैसे बाईपास कर दें हम? यस सीआरपीसी को सिर्फ लेजिस्लेचर बाईपास कर सकता है कि वो कुछ प्रावधान हटा दे। ये उनका प्रेरोगेटिव है, हमारा प्रेरोगेटिव नहीं है। हमें तो किताब वैसे ही पढ़नी है जैसी है। हाँ बट लॉर्डशिप 2 मिनट्स में काइंडली गिवन। आई वांट टू एक्सप्लेन माय केस। हाँ प्लीज बताइए। लॉर्डशिप अभी एफआईआर डबल में जीओ बॉडी नहीं बन रही, आर्टिकल 20 का सब आर्टिकल 2 सब क्लॉज 2 नहीं बन रहा, डबल जीओ बॉडी नहीं है। दो कॉज ऑफ एक्शन अलग अलग है। सर टू एफ आई आर आर देयर। ठीक है तो चार्ज फ्रेम के वक्त बताइएगा। लॉर्डशिप इसमें इसमें सर जो सेक्शंस है सर वो ही इंग्रेडिएंट्स मीटअप नहीं करते वो हैं। वही तो चार्ज की स्टेज है ना भाई। वो चार्ज फ्रेमिंग के टाइम में क्या क्यों सुना जाता है कि जिस जिस सेक्शन में धारा में अपराध नहीं बनता है, उस पर चार्ज नहीं बनाया जाएगा। एंड कोर्ट को क्या देखना है चार्ज फ्रेम करते हुए? चार्ज फ्रेम करते हुए जो मटेरियल प्रोसिक्यूशन द्वारा प्रस्तुत किया गया, उसको देखना है कि चार्ज बनता है कि नहीं बनता है, तभी आरोप विचित किए जाएंगे। यही प्रावधान है ना सीआरपीसी में। चलिए बताइए, आप विड्रॉ करेंगे कि सर श्री कृष्णा रोहिरा आफ्टर आर्ग्यूइंग फॉर सम टाइम प्रेस फॉर विड्रॉल ऑफ दिस रिट पिटीशन विद लिबर्टी टू रेज अप्रोप्रिएट ऑब्जेक्शंस एट द टाइम ऑफ फ्रेमिंग ऑफ द चार्ज। सर आइटम नंबर 14 में